सारी ग्रीन टी ये कहाँ देखो, है ये देखो हल्दी? भाई, हमारे पड़ोसी कितने अच्छे बाउल में लेकर आए हैं चटनी हमारे लिए। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल शोभा कार्की में। तो सभी लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों, मेरे हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से और हमारे लिए लेके आए हैं आइसक्रीम। तो बेबी मेरा ऐसे खा नहीं पाता, तो उसको मैं स्टेप से खिलाती हूँ। अच्छी तरीके से पहले इसे क्रश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने बेबी को खिलाती हूँ। और अभी दिन के बज गए हैं 2 और खाना खाने की भी तैयारी हो रही है। और आज आप लोगों ने देखा, पड़ोसियों ने दिया था चटनी, तो फिर मैंने आज बनाया है कद्दू का साग और चटनी। और ये है हमारा चावल, पूरा पहाड़ी थाली आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो दोस्तों, ये मनी प्लांट जो है ना, वो 2 साल पहले मैंने लगाया था। पहले मैंने इसे गिलास में लगाया, जब इसकी जड़ आ गई थी तो तब इसको मैंने डाला गमले में और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा था ये। बट अचानक बीच में क्या हुआ ना, इसकी मतलब मोटाई में इतना मोटाई से बढ़ने लगा ये, और इसकी जो लंबाई है वो बिल्कुल रुक गई और मोटाई में इतना ग्रोथ कर दिया ये, ठीक है। तो देखो कितना मोटा टहनी ये है, तो मैंने इसको कट कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे ही इतना मोटा हो जाता है ना ये, तो मतलब पूरा न्यूट्रिशन लेने लगता है ये, और इसकी लंबाई बढ़ती तो नहीं है, और इसी तरीके से मतलब ये इतना मोटे तरीके से बढ़ने लग जाता है। तो इससे बेहतर है कि इसको काट दो, काटने के बाद अच्छी अच्छी कलियां आ जाती हैं और ग्रोथ वगैरह अच्छी होती है। तो फिर मैंने यही करा है, अब देखते हैं कि कैसा होता है, आप लोग को दिखाऊंगी आगे को टहनी कैसी रहती है। तो मैंने इन बॉटल्स में लगाए थे मनी प्लांट, जो टहनियाँ टूट गई थी उनको मैंने पानी के बॉटल में डाल दिया, तो उनकी जड़ निकल चुकी है। तो इसमें 2 हैं, तो एक मैं आज लगा देती हूँ गमले में। तो जो हम लोग घर से लेकर आए थे इन गमलों में लगाने के लिए, सोपीस वाले जो थे, वो सड़ गए हैं, सूख गए हैं, वो लगे ही नहीं, ग्रो ही नहीं करे, और थोड़े मेरे बेबी ने जो हैं तोड़ दिए। तो फिर ये बड़ा वाला जो है उसको मैं लगाऊंगी गमले में, और जो टहनी अभी लेकर आई थी उसको भी मैं फेंकूँगी नहीं, और उसको भी किसी चीज़ में मैं लगाऊँगी, जो भी टहनी टूट जाती है मैं ऐसी करती हूँ। अच्छा लगता है, सोपीस भी लगता है और थोड़ा ग्रीनरी लगता है, तो अच्छा भी लगता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों का भी ऐसा ओवर ग्रोथ हो रहा है क्या कोई मनी प्लांट या कुछ भी, तो आप उसको ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद अच्छी अच्छी कलियां भी आ जाती हैं और जो हमारा मनी प्लांट है वो भी अच्छे से ग्रो करता है। तो मैंने देखो यहाँ पर पूरी जड़ अच्छे से डाल के अच्छे से मैं लगा रही हूँ, और इसमें काफ़ी कैंचुए भी हैं, मैं बता दूँ आप लोगों को। तो जो कि कैंचुए जो होते हैं, वो आप लोग को पता ही है कि किसानों के जो हैं दोस्त होते हैं। अगर कैंचुए हैं मिट्टी में तो काफ़ी अच्छी से ग्रो करती हैं आपकी चीज़ें, और इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी पेड़ है तो अपना खाना तो वो बनाएगा ना, बिना खाए तो वो रहेगा नहीं। तो खाना जो है पेड़ पौधे, आप लोग को पता ही है कि जो है सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, तो सूरज में रखना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इतना ज़्यादा इन लोगों को लाइट नहीं चाहिए, 2-3 घंटे का धूप इनके लिए इनफ है गर्मियों में, और जाड़ों में 3-4 घंटे का धूप। और दोस्तों, ये देखो इतना मोटा टहनी है, बॉटल में जा ही नहीं रहा है यार, ये इतना ग्रो कर गया ये, आप लोग देख रहे हो। अब कट कर दिया मैंने, और पता है ये बढ़ भी नहीं रहा था ऊपर को, तो फिर मैंने क्या किया कि अब फाइनल लुक देख लो, पहले ये मैंने लगा दिया है, और थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, नया नया पौधा है तो ज़रूरत है उसे इस्टेब्लिश होने की, नीचे अच्छे से मतलब पानी और मिट्टी में अच्छे से, अभी तक तो पानी में था ना वो, तो अभी उसके लिए नई चीज़ है, तो पानी वगैरह सब मिलेगा, धूप मिलेगा, तो अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैं इसको बाहर रख दूंगी। और देखो, ये हम लोग को मिला था गिफ्ट में, और इसी में मैं लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही रखे थे, तो मैंने इसमें भर लिया पानी, और इसमें ये मोटा सा जो टहनी है वो भी चले जाएगा। और देखो, इसकी जड़ भी आ गई थी वहीं पे, तो जैसे ये जड़ है ना, अगर यहीं पे कोई गमला होता ना नीचे, तो वहीं पे ये ग्रो करने लग जाता, तो ऐसे दूसरा पेड़ भी हो जाता, फिर हम कट करके उसको लगा सकते थे। तो ये इस तरीके का लग रहा है, जो पत्तियां हैं मेरे बेबी ने नोची है, उन्हें गोद में रखते हैं तो सीधे वहीं हाथ लगाता था ये, और ऐसे मैंने लगा दिया इनको, ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। और यही था मेरा आज का स्पेशल काम, और उसके बाद इवनिंग टाइम, तो यहाँ पर थोड़े से चने बचे हुए थे और समोसा ही बोलते ना इनको, समोसा और चाय के साथ। और यहाँ पर बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए, शाम का टाइम हो चुका है और खेल रहे हैं मजे से ये बच्चे लोग, आप लोग भी एंजॉय करो। देखो आपको कानून बहुत कड़ी से कड़ी सा देगा, पूरा भार भार डाल के बैठा हुआ था। चलो कोई नहीं, आप साइड रख दो इसको, यहाँ पे वो रखा थोड़ा टेढ़ा, आ जाओ इधर, इधर दो इसको, इसको इधर दो, जरा हम दिखाते हैं,
हाँ बस बस चलो आप उसमें खेलो। ये देखिए जी ये टेढ़ा हो चुका है ना, यहाँ पर ये टेढ़ा हो गया है, ये निकल गया। ओह माय गॉड देखो नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, बस 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 इसको छोड़ दो, काटी किसको छोड़ दो आप पैसे का। तो फिर मक्कों का सीजन है, मक्के आए हुए थे। वैसे आग में भुनो ना मक्के तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बट यहाँ पर आग तो है नहीं तो मैं इनको भून रही हूँ गैस में ही। और पहले मैंने सोचा कि यार इनको मैं ना बॉईल कर लेती हूँ, तो लाइट चले गई। जैसे ही मैंने कुकर में डाला नमक पानी और मक्के तो लाइट चली गई। फिर मैंने सोचा यार अभी तो बनने से रहा है तो मैं एक मक्का भूनी लेती हूँ, तब तक एक मक्का खा लूँगी, उसके बाद बॉईल होंगे तब उनको खा लूँगी, बट ऐसा हो ना पा सका। तो ये मेरा मक्का भुन चुका है यहाँ पर, फिर हम लोग खाते हैं सब लोग। आप लोग बताओ कि आप लोग को वीडियो मेरे कैसे लगते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है ना गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और कमेंट्स करें यार, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ना, मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। और आप लोग कमेंट करते नहीं है, कुछ कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं। और मैं बता दूँ ये नीचे जो वाइट वाइट हो रहा है ना गैस में, वो ऊपर से आया है छत में से, वो कुछ पपड़ी जैसी हो जाती है ना, तो वो निकलने लगा है वहाँ से। और उसके बाद घर वालों का कॉल आता है तो फिर वीडियो कॉलिंग पे बात होती है, बस हो गया। बस इतना ही तो हमारा दिन था यार, पूरे दिन में यही सब किया। वैसे मैंने दिन से आज वीडियो बनाया था, सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता बेबी के साथ, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना इसलिए। और तो फिर बस हो गया, मैं क्या ही बताऊँ अब, यहाँ पर वीडियो कॉल चल रही है। और मेरे बाबू ने देखो प्लेट को कैसे तोड़ दिया, एक क्रैक तो उसमें आया हुआ था बट उसने उसको और ज़्यादा तोड़ दिया मक्के से मार मार के। यहाँ पर दादी उसकी बात कर रही है, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। आप लोग बोलोगे इतने बार बोल दिया, बट मैं क्या ही बोलूँ अब, कोई स्टोरी सुनाऊंगी मैं कभी आप लोगों को, आप लोग कमेंट्स नहीं करते ना तो फिर मैं क्या ही कुछ नहीं कर पाती हूँ। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।